ओ मेरा दूध पी गए गोरे, ओ गोरे जो थे रूखे चटोरे, फिर भी मारे मुझको लो। अरे भाई भोला, रात बड़ी मोटी मलाई थी भाई दूध पे। दूध भाभी का था या भैंस का? अरे सरपंच साहब, कैसी बातें कर रहे हो यार? बात ये है, गलती हमारी है। वो हमारी बहू ना, मोटी भैंस डबल कटिया, दूध न देवे माल लठिया। साली सुनती नहीं है, कान पे जूनी चलती उसकी। रिश्ता भी तो तुमने कराया उससे, मोटी से। उसकी गाढ़ है, ऐसा है जैसे पूरा भूंगा। उंगली कर लो, हाथ कर लो, उसे फर्क नहीं पड़ता फंपियाने से। इससे मैंने सुबह कह दिया दूध में एक बाल्टी पानी डाल दे, मगर साली के कान पे जूनी चली। सरपंच साहब, हम नादान हैं, हम गरीब हैं, हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। कल से आपके यहाँ मिलावट वाला ही दूध आगा, तुम उसी में घुसो बहन के लड़ो। हाँ यार, वो मलाई मोना लग रही ना, एक मार रही है, मिलावट वाला ही लइए अब। हाँ पाओ जी, तुमसे कुछ बात करनी थी यार। कहो। अब मुझसे रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता तो बेटे दूसरी वाली हवेली में रह लो, इसमें दिल नहीं लग रही है तो। कैसे समझाऊं? अरे बाबूजी, कब तक हाथ से काम चलाऊं मैं? शादी करवाओ मेरी। मतलब 10 साल की उम्र में हाथ से काम चला रिया? अपनी सेहत नहीं देख रिया? साले काट कर डाल दूंगा, बता रिया हूँ अभी। ए बाबूजी, करवा दो शादी, अब मुझसे बर्दाश्त ना होती। बर्दाश्त ना हो रही? अबे हमें देख, 20 साल तक हाथ से काम चलाया। बाबूजी तुमने भी 5 साल हमारे बाबूजी ने रिश्ता ढूंढने में लगा दिए जब जाकर शादी हुई थी। तुझे पता हमने कहां-कहां चोंच मारी है अपनी? 15 साल का हो जा बेटे, शादी करवा दूं। मुर्गा आज पक गया है, खा मैं उसे 5 साल बाद। भाई वाह भाई वाह, ये क्या बात हुई भाई? मुर्गे भी पकाल लगा क्या? कैसी कैसी बात कर रही है यार? अरे बाबूजी, ये कहावत मार रही हूँ मैं। कहावत तो तमीज से मान लेकर सुअर। तुम ऐसा करो बाबूजी, तुम शादी उदी मत करवाओ बिल्कुल भी। कोई सी लोंडिया देखूंगा छेड़ दूंगा, तुम बदनाम होते फिरोगे फिर। इस बात से ही तो बेफिक्र हूं मैं, तुझसे लोंडिया छिड़ जाएंगी। कल्लन, तूने अपना मुंह दिखा शीशे में, गोरे चिट्टे लोंडे से ही छिड़े लोंडिया भी। मुझे टेंशन ना, कुछ भी करता फिर तुझसे नहीं छिड़े कोई लोंडिया पोंडिया। साले काले कबूल। भाई यार, रात तुम्हारे घर गया था, बीवी कहाँ है तुम्हारी? अरे नहीं यार, मैके गई है। भाई यार बिल्कुल, उसे मैके ही भेजे रखो हो गया? अरे नहीं यार, बच्चा होने पे गई है, वरना छोड़ देना बिल्कुल मैं। अच्छा, भाई इब्राहिम कहाँ जा रही है इतने उस समय? अरे यार, वो ही तुम्हारा सरपंच, आज फिर शादी को मैंने कर दिया। हाँ यार, मेरे बाप ने मेरी शादी एक कहने में करवा दी और ये अभी तक हाथ से ही काम चला रही है। ठीक है, चल तो ऐसा कर, अपनी बहू भी दिलवा दे। साले, अगर तू सरपंच का लौंडा होता अभी अद्धे से साले की टीक खोल देता। यार इस सरपंच का मैं क्या करूं, खुद तो रोज दुख की पीटता और इधर ध्यान भी नहीं दे रही, मैं कैसे जी रही हूं? ऐसा कर, मार दे साले को, खुद सरपंच बन जा, गांव की हर लड़की तुझसे शादी करेगी। तो यार मारूं कैसे ऐसे मैं? अबे तू जाके मिल जा फिरंगियों से, तेरे बाप को तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसे परवाह है इस जंगल की। चिड़िया कहाँ रहेंगी, जानवर कहाँ रहेंगे, पेड़। अबे इन पेड़ों को गांड में घुस के मरेगा, तुझे ना पता ये पेड़ अगर बेच दिए ना, ये गांव सिटी बन सकता है, सिटी। मगर उसे समझावे कौन भोसड़ी वाले को? हाँ यार सही कह रहा हूँ, इसकी यही बातें हैं, ये वनस्पति है, इससे हमें जीवन मिलता है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। अजी मेरा, ये मुझे काला कौवा कह रहा था ना, आप देखो ये काला कौवा कहाँ कहाँ चोंच मारता है। अरे सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब का गजब हो गया, सरपंच साहब गजब हो गया। क्या हो गया? ललन भाई के खेत में जयपाल की लोंडिया और भीमा क्या कर रहे हैं? गपागप कर रहे हैं। गपागप? अबे तो कुछ खा रहे होंगे, तेरी में क्या चिर्रा लग रही है? अरे अंटपिल खेलने। अंटपिल? अबे तो खेलन दे यार, तुझे क्या टेंशन हो रही है? अरे सरपंच जी, वो उसे दे रही है, वो उसकी ले रही है। देखो गांव वालों, यही है वो दो बदतमीज जिन्होंने हमारे गांव की इज्जत मट्टी में रिला दी। सरपंच साहब बताइए क्या हो गया? क्या हो गया जयपाल, ये बात अपनी बेटी से पूछो। बता रही बबीता, क्या हो गया? बोल बबीता बोल। अरे ये क्या बताएंगी सरपंच साहब, वो तो मैं बताऊंगा। तो हुआ ऐसे, मैं शहर के लिए जा रहा था तो लल्लन भाई के खेत में इस कदर झाड़ियां हिल लेती, बताने वाली हो तो बात ना है, ये तो नीचे थी और ये साला ऊपर था। वो तो मैं टाइम पे पहुंच गया,
ना तो साली गांव की जनसंख्या बढ़ जाती और साला मुझे और लालच दे रहा चुम्बे के, मैं लगाया इसीलिए मैं भागता भागता तुम्हारे पास आ गया। सब बास बेटे, तो बताओ गांव वालों क्या किया जाए? इन्हें मार दिया जाए। अरे रुको रुको, तुम अगर हमें मानना चाहते हो तो मान लेना, हम तुम्हारे सामने ही है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मोहब्बत करनी गुनाह है? ये मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अगर तुम इसकी कहीं और शादी कर दोगे ना तो ये जहर खा के मर जाएगी, चाहे तुम इससे पूछ लो, बता नहीं बता ना। अरे मुकड़ क्यों रही है, बताती क्यों ना है? जहर ना खाया जाएगा, फांसी खा के मर जाऊंगी। देखो बहरहाल ये मेरे बिना मर जाएगी। भीमा तुम अपनी हद पार कर रहे हो, तुम शायद भूल गए हो कि हम एक सरपंच है। अबे वो सरपंच के फलान, तू भी कम ना, तू भी जाने कितनी बार पकड़ा गया, साले सिर खाट का पंच गाड़ में घोद दूंगा। हाँ तो हमारा फैसला सुनो, लौंडा मोहब्बत करता, अब देखो मोहब्बत के मारे तो झुकना ही पड़ेगा, ना तो मैं तुम्हारे सामने ही मारता इन्हें दोनों को। मोहब्बत करता झुकना पड़ लिया, ये भी इच्छा करती है ये भी इच्छा करता। जयपाल बेटे टेंशन मत ले, घर का माल घर में ही है, मतलब गांव का माल गांव में ही है, आज दिन बाद इनकी शादी करवा दिए हैं। अच्छा और सुन बे, आज रात जंगल का पहरा, तू और भोला दूधिया दंगे। ये कौन सी बात हुई सरपंच साहब, मतलब हमारा जीना है हमने लेंगे क्या भाई? रात को पहरा दूँ, दिन में दूध बांट रहा हूँ, अब तुम मुझे ये बताओ दुग्गी किस टाइम पिटूँ मैं? हाँ यार चल अपनी बहू को भी ले जाइए साथ, ठीक है तमीज से देना पहरा। हाँ ये बात सही है यार, चलो सब लोग अपने अपने काम पे निकले। सरपंच साहब हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? जंगल में कम से कम 8 पेड़ और 2 जानवर मरे पड़े हैं। भोला भीमा, भोला हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम हमारे गांव के योद्धा हो, तुम्हारे होते हुए जंगल से कोई पत्ता भी नहीं ले जा सकता और रात 8 पेड़ कट गए। तुम शायद ये भूल चुके हो, ये जंगल हमारी जिम्मेदारी है, इससे हमें जीवन मिलता है, हम इससे फल फूल रहे हैं, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। भीमा क्या हुआ था रात? सरपंच जी हमारी ये बात तय हुई थी, आधी आधी रात पहरा देंगे, मैं तो अपना आधी रात पहरा देकर सो गया था, बाकी भोला से पूछ लो। भोला बताओ। सरपंच साहब रात बहू गई थी ना मेरे साथ, तो उसके साथ गुच्चुक डाला खेल लिया था, तो पता ना लगा क्या हो रहा क्या ना। सुअर जलील तुझे जोश जोश में ये पता ना चला 8 पेड़ कब कट गए? चुपे साले, हर बार हमारे ऊपर ऐठा है। अब तुझे इतना फिकर है तो खुद दे ले करने पैरा, साला घर सोता हो के पास टांगे फैला के। भोला जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हमने खूब पहरेदारी की है। हाँ मुझे पता तूने कितने पहरे दिए रातों को, रोज एक लोंडिया ले जाग रहा। समय वाला सिराब तो यही है गाँव का, बिना गाँव वालों की इजाजत के एक पेड़ नहीं कट सकता, कोई तो गद्दार है। अरे बाबूजी मुझ पर शक कर रहे हो? अबे शक ना कर रही, हाथ फेर लिया हूँ, तू तो अपना खून है, कोई तो गद्दार है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ भीम और भोला गद्दार है, इन्हें सजा दी जाए। सजा दी जाए। रुको, जहाँ तक हमें उम्मीद है भीमा और भोला ये घिनौना काम नहीं कर सकते, गद्दार कोई और ही है, पता लगाना पड़ेगा। हुजूर आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ। शो मी व्हाट इज दिस। हुजूर रुको, वाओ दैट्स ए गुड ब्रांड। कौन? हमारे गांव में बहुत मिले हैं, कितनी ले लियो? हे बेंचल, मैं लकड़ी की बात कर रहा हूँ, इसके पेड़ कहाँ पर हैं? हमारे गांव में जंगल में है, कितने काट लो, मगर हुजूर अपने यहाँ से कोई अंग्रेजन लोंडी अच्छी सी देख के मेरी शादी करवा दो, रुका ना जा रही है अब। ओके ओके टेंशन नॉट, करा देंगे। हे मेरे बेटे के साथ जाकर पेड़ काटो। ओके। भोला और भीमा गांव में मस्जिद के माइक और मंदिर के घंटे की बहुत जरूरत है, तुम लोग शहर जा रहे हो ये सामान भी लेते आना, और ध्यान से जाना, अच्छा सामान लेके आना। ठीक है। सालो फिरंगियों, रुको तुम्हारी बहन का भोसला। Oh my God! Wow! Go! 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 Go. Ah!
मेरे दोस्त को मार दिया भीमा को। कुत्ते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीमा सरपंच साहब, मैं अपने दोस्त भीमा को नहीं बचा पाया, मगर इस बहन के भोसले को निपटा दिया। भोला, भीमा हमारे गांव के लिए शहीद हुआ है, हम इसकी मूर्ति बनवाएंगे। अजी मेरा लोड़ा, गांव में चार आदमी मर गए अब तक, एक की तो मूर्ति बनवाए ना, अपने अब्बा की बनवाए बड़ा फाड़ू। तुझे साले हर भगत ही उल्टा बोलता, दिखाई नहीं दे रही तुझे, जवान मौत हो ही पड़ी है। सरपंच तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे हाथों पे फालिस पड़ जा। भोला, भीमा की कुर्बानी हम जाया नहीं जाने देंगे, हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। फिरंगियों, हम आ रहे हैं। चले मत जाइयो, इतनी लंबी बंदूक है, गांड में हाथ डाल देंगे। बंदूक है तो रहने दो, फिर है बाद में देख लेंगे। अली अब लड़ाई लेनी सही नहीं है यार, एक तो मर गया, कभी हमें भी निपटा दे। चलो अपने अपने घर को चलो। आप बेटे भोला, मैं तुम्हें मार दूंगा। हुजूर, मैंने ना मारा, मेरे बाप ने मारा, उसे मारो जाके तुम, मैं तो तुम्हारे बहुत काम आने वाला हूँ हुजूर। मैं तो ये चाह रही हूँ तुम मुझे अंग्रेज बना लो। काले कौवे, चलो। सुनो गांव वालों, बाहर निकलो सब के सब, किसने मारा मेरे बेटे को, मदर फकर। किसने मारा मेरे बेटे को? तूने मारा, तूने मारा, तूने मारा, तूने। अरे नहीं दो, इनकी भोसड़ी। जिस किसी ने भी मेरे बेटे को मारा है वो अपना गुनाह खुद कबूल कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। और एक बात और ध्यान से सुनो, अगर तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करते हो तो तुम्हें 3 गुना लगान देना होगा। फलान ले लिए। तू कौन है बे? मैं इस गाँव का मुखिया हूँ, और इस गाँव का मुखिया वही बनता है जिसका खून खोलता है, और जो मरने और मारने से ना डरे। किन्ने मारा इनके लोंडे को? सालो सामने को आ जाओ, जिन्ने भी मारा बदतमीजो मेहमान है, और चाय भाई नहीं पूछी ना है। अरे अंडी, चाय भाई को नहीं पूछ रहे भाई साहब, हम पता लगवाएंगे किन्ने मारा। अबे ओ बुड्ढी, अगर मुझे रोज 3 गुना लगान नहीं मिला तो इस गांव से रोज 2 लोग मरेंगे। लगान क्यों नहीं मिलेगा, कैसी बात कर रहे हो यार, लगान दिलवाएंगे हम, टेंशन मत लो। क्यों भाई, लगान देंगे 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 नाश्ता पानी मिलेगा। भाई सरपंच साहब, ये कौन सी बात हुई, कौन देगा 3 गुना लगान? तुझे कुछ 50 साल है, लड़ाई दंगों से कुछ फायदा? एक वो मारता, 4 मैं मारता, कुछ फायदा ना इन बातों से। और तुझे कुछ पता हो ना, जब उनने मेरा गिरेबान पकड़ा, मैंने कान में फुसफुसा के इस कदर धमकी दे दी थी, इतना मुंह लाल हो गया डर के मारे उसका। अच्छा, और क्या भाई सरपंच, हम ऐसे डर के थोड़ी रह लेंगे, मैंने बातों बातों में मामला निपटा दिया यार, जब ही तो इतनी तेज निकल गए, मुझे ऐसा लगा बहुत ज्यादा डर गए, पिसाब उसाब ना निकल गया हो, देख कहिए जा रही हूँ। सरपंच साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम मुझे हर जगह भेजते हो, मैं तुम्हारा दाया हाथ हूँ बाया। बेटे भोले, तू मेरी बीच की टांग है। अच्छा, बीच की टांग? हाँ, तुझ पे ही भरोसा है, मुझ पे हर जगह खड़ा मिलता आ गई। जा देखो, जा रही हूँ। चलो भाई निकलो यहाँ से। मैं सरपंच साहब, ऐसा कब तक लगान देते रहेंगे उन्हें, ऐसा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जयपाल बेटे, जब तक गांव में दम है देना ही पड़ेगा। कुछ तो उपाय होगा सरपंच साहब, कुछ ऐसा उपाय निकल आए जिससे आम के आम और गुठलियों के दाम हो जाएं। पूरा गांव मुसीबत में, इस भोसड़ी वाले को आम खाने की पड़ी है, इतनी खूबसूरत अनारकली बैठी है, मुझे खा ले। तुझसे शांत नहीं बैठा जाता, आराम के चिते फाड़ू जनाब, इससे कितना ही चला है। चुप बैठा रहे, मैं तो गांव में लाठी डाल के ना नुकर का गुलगुला दूं। चलो ठीक है, बात करो। इब्राहिम, तुम जवान हो, शहर जाते रहते हो,
कुत्ता बताओ इन भोसड़ी वाले फिरंगियों को क्या करें यार। अरे बाबू जी, फिरंगियों को गाली क्यों दे रहे हो? अबे तू इनका लौंडा या उनका? हाँ भाई, यहाँ गाली क्यों नहीं बक सकते हम उन्हें? अरे बाबू जी, ऐसे किसी को गाली नहीं देते हैं। मैं तुम्हें गाली दूँ बताओ कैसा लगेगा तुम्हें? बताओ भी बताओ। बाबू जी मैं तो ये कह रही हूँ, उन्हें लगान देते रहो और अपना कान दबा के चुप पड़े रहो, क्योंकि उनसे लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। इतनी इतनी लंबी बंदूकें हैं, इतनी इतनी बड़ी तोफें हैं, और हमारे पास क्या है? ये मुट्ठर। इनसे कुछ हो रहा? सरपंच साहब, मेरे पास एक उपाय है। मैं उनके यहाँ रोज दूध देने जाती हूँ, चलाकी में दम भर के रोज दो बंदूकें चोरा लगा करूंगा। अगर ये काम मैंने 5 दिन लगातार कर लिया ना, तो ढेर लग जाएगा बंदूकों का। बेटे इब्राहिम कहाँ? अरे बाबू जी, फिर हम उनका मुकाबला करने के लिए काबिल हो जाएंगे। भोला तू सही कह रही है, तू रोज अपनी ये वाली ड्यूटी लगा, हम देखते हैं फिरंगियों की। टेंशन मत लो हैं। ए, कहाँ जा रहे हो? वो अंदर से दूध का गोटल लेने जा रही हूँ। जल्दी जाओ। अंदर से 2-3 और ले जा पहन के लो रे। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने हमारे घर में से चोरी की, बदफक ब्लडी बास्टर्ड, ब्लडी बास्टर्ड चोर थीफ ब्लडी बास्टर्ड। बोला क्या हुआ, बंदूक लेकर आया नहीं? वो है क्या माँ चुदी पड़ी है। वो क्या गया? क्या हो गया? चला कि चूतलों में को निकल गई। मैं बंदूक चुरा के जैसे मैं बाहर को आया, बड़ा वाला अंग्रेज बोला ला बेला बंदूक दे। समझ में बात नहीं आई उसे, पता क्या चला और जो तबीयत से मुझे काटा, ओफ बहुत ही मारा। सरपंच साहब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, उसे पता क्या चला? कोई तो गद्दार है अपने गाँव में जो पल पल की खबर वहाँ पहुँचा रहा। पता लगाना पड़ेगा। मैं खेत पर आ रहा हूँ 2 मिनट में, अभी पूरे गांव की हामा काटूंगा सालों की इनकी। टेंशन मत लिए, तू जाकर इकट्ठा कर। हाँ तू पंचायत जोड़। हमारे जूतों के नीचे रहने वाले लोग आज हमारे सीने पे बैठ रहे हैं, हमारे ये हथियार हमारे घर से चुरा रहे हैं। इसकी सजा तुम्हें 4 गुना लगान देकर चुकानी होगी। तुम्हारी ग्रैंड मदर को छोड़ूं। गुना लगान में तो हम लूट जाएंगे, हमारी आधा बाहर आ जाएंगी, आगे फैल जाएंगे। हुजूर हम क्या करेंगे, हम तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। थोड़ा सा रहम खाओ, हमारे बच्चे क्या खाएंगे हुजूर? मेरा लॉलीपॉप ब्लडी बास्टर्ड। अब पानी सर से ऊपर जा चुका, बहुत टाइम हो गया मजाक में लेते लेते, हम कुछ कह ही नहीं रहे हैं तो सिर पे ही चल रहे हैं। रोज आ जाते हैं बंदर जैसी गाल का मुंह लेके, कभी 2 गुना लगान, कभी 3 गुना लगान, और आज तो हद ही हो गई, सीधा 4 गुना लगान। हम क्या खाएंगे? और तुम ये मत सोचना कि उसके पैरों में जाके मैं गिर गिरा हूँ, बहुत तेज काटा मैंने उसके पैर में, जब ही तो झटपटा के लात मारी मेरे उनने। हाँ, सरपंच जी कितने झूठ बोल रहे हैं। और सारे कान खोल के सुनो, अब की बार जब हम अनाज पहुंचाने जाएंगे, अपनी अपनी बोरियों में सबको सेल पास मिलानी है। मैं दूंगा इन्हें 4 गुना लगान, समझ गए? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ले इस बुड्ढे को अब भी बांसुरी बजाने को पड़ी है। चुप चुप हो सिराप, साले गांव के सिराप कलंक। क्या खबर लाए हो? सरकार अब कैसे लगान मत लेना तुम। खबरदार, तू कौन होता है हमें लगान को मना करने वाला? अबे भोसड़ी का पूरी बात तो सुन ले मेरी, लगान इस मारे मत लिए, क्योंकि उन्होंने गांव वालों ने जहर मिला दिया उसमें, मेरा बाप चलाक में दम भर रहा।
What the fuck man? उन गरीबों की इतनी हिम्मत, मैं देखता हूँ वो कैसे ऐसी हरकत करता है। ठीक है चल चल गद्दार, चल 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 सारे। सरपंच साहब, अरे सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब, अब तक हमारा देश सिर्फ इसलिए गुलाम रहा क्योंकि अपने ही लोग अंग्रेजों से मिले रहे। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारे गांव की बातें उन फिरंगियों तक कैसे पहुंच रही हैं। कौन है गद्दार? तो लो ये खड़ा, ये है गद्दार। वाला, तू दावे के साथ कह सकता है कि इब्राहिम ही गद्दार है? जी हाँ सरपंच साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा, अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ लिया। हमने अपने ही घर में, अपनी ही आस्तीन में इतना लंबा सांप पाल रखा है। लोंडिया बाजी कर लेता तो सबर था, देश से गद्दारी नहीं। कुत्ते, तेरे बाप ने लोंडिया छेड़ी, लोगों की जमीनों में दलालियां मारी, चलती औरत की गांव में उंगली करी, लेकिन देश से कभी गद्दारी नहीं करी। तो बताओ गांव वालों, क्या किया जाए? इसे मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए। एक बार और सोच लो क्या किया जाए। इसे मार दिया जाए, इसे मार दिया जाए। खड़ा हो, तलवार लेगा अंदर से, साले तुझे काटूंगा, जा। अभी आया नहीं, बड़ा टाइम लगा दिया इनने। देख कहाँ बोला। अरे सरपंच साहब, वो तो भाग गया। अरे यार भाग गया यार, बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आओ पकड़ेंगे, अब तो बतेरी दूर निकल गया होगा। आओ देख लो फिर भी यार, भाग गया। आओ सरकार, बैठ जाऊं? सिट डाउन। क्या खबर लाए हो? खबर यह है, गांव वालों को मेरी सच्चाई का पता लग गया। सरपंच ने मुझे मानने से छोड़ा, वो तो मैं टाइम पर भाग आया। अब मैं ये कह रही हूँ, तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, मुझे अंग्रेज बना दो। ना भैया कालिए, तू अंग्रेज ना बनने का, तुझे तो मॉडिफाई करने में भी लाखों रुपए लग जाएंगे, फिर भी वाला मजा हाथ ना आने का। एक काम कर, तू वेस्टर्न डीज वाला अंग्रेज बन जा, काला कलोटा। सरकार, मेरा दिल बहलाने को तुम अंग्रेज तो कैदे करी हो ना। हाँ, दिल बहलाने के लिए तुझे अंग्रेज कैदे करेंगे, टेंशन मत ले। क्यों भाई? ओके ओके। ये तो तुमने काला रख रखा जाना, कैसी सिकल का ये जब भोसड़े के। डेविड और वार्नर, दोनों यहाँ आओ। यस सर। सरपंच का बेटा हमारी गैंग में शामिल हुआ है, कव्वाली का प्रोग्राम किया जाए। ओके सर। सरपंच साहब, फिरंगियों में कव्वाली का जश्न रखा गया है, अजीज मियां कव्वाल को बुलाया है, मैं कह रही थी आप भी चलते। इतने सुवर को सवरने की जरूरत क्या है? इतने सुअर को सवरने की जरूरत क्या है? नक्शेबाजी में भी गांड फटी रहती है। नक्शेबाजी में भी गांड फटी रहती है। तुम जो जाते हो बाजारों में लेने सामान, तुमको देखकर कितनों को उल्टी आती है। तेरी सूरत निगाहों में फिरते रहे, इस पे कुत्ते ने मोता तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों कब्जा करना तुम्हारा ना पाक इरादा है। हमारे गांव पे कब्जा करना तुम्हारा ना पाक इरादा है। हमारे गांव पे कब्जा करना तुम्हारा ना पाक इरादा है। सुन बे अंग्रेज, तेरे जैसे ने मेरा चार बार चाटा है। तेरी सूरत निगाहों में फिरते रहे, इसपे कुत्ते ने मोता तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इस पे कुत्ते ने मुता तो मैं क्या।
बंदर है, शिकल तेरी बंदर है, तेरी गांड में मेरा इतना अंदर है। तुझ में जो बात है वो बात किसी और में नहीं पाई है, क्या गांड किसी और से मरवाई है। हाँ तेरी गांड मरी है, गांड मरी तेरी, गांड मरी तेरी, गांड मरी तेरी, गांड मरी तेरी, अरे गली गली में, गली गली में गांड मरी है। अप्पा मारे गांड तेरी, तेरे चाचा मारे गांड तेरी, तेरे ताऊ मारे गांड तेरी, तेरे खालू मारे गांड तेरी, तेरे फूफा मारे गांड तेरी, तेरे अप्पा मारे गांड तेरी, तेरे चाचा मारे गांड तेरी, तेरे खालू मारे गांड तेरी, अरे गांड तेरी, तेरे गांड मरी, 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 तेरे गांड मरी है, गांड मरी है, गांड मरी है, गांड मरी, अरे गली गली में गांड मरी है, गली गली में गांड मरी है, गांड मरी, अरे गांड मरी, बहुत जान है आवाज में। हमारे चारों के इसमें भी बहुत जान है। गांड मार देंगे साले, तेरी गांड मार देंगे साले, तेरी गांड मार देंगे साले, तेरी गांड मार देंगे साले। सरपंच साहब, गांव के बाहर हमें किसने लाए हो? बोला, फिरंगियों को हम पर शक हो गया कि उनके हथियार हमने चुराए हैं, वो इसी रास्ते से आएंगे। मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं, सालों को यही काटना। ये बहन का मेला चौदू सुअर, टाइम तो देख लेकर कौन सा चल लिया। हर भगत साले को सेक्स की पड़ी रहती है। अबे तुझसे घर न रह जाता, हर जगह को साथ चले। अबे ओ सरपंच, तुमने हमारे हथियार चुरा के बहुत बड़ी गलती की है। अब हम तुम्हारे देश को और तुमको खत्म कर देंगे। अबे ओ फिरंगी, साले गाल ऐसी मारूंगा, कर दूंगा नारंगी। ये हिंदुस्तान है झाटू, समझ गया नहीं? अपने वतन से बहुत प्यार है हमें। अबे ओ छिलौआ आलू, दूध मांगेगा तो खीर देंगे, और दूध फट गया तो पनीर ले जाइए 2-1 किलो। अबे ओ अंग्रेज के फलान, तुमने बहुत जुल्म कर लिया हम पे, अब बारी हमारी है, ये देश हमारा है। तू यहाँ आ तो गया है लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। पिंकी अपने आदमियों को इशारा कर। आ, आ। तू कर बेटे हमला, गोली चलाओ। अरे सरपंच जी, ये तो चली नहीं रही। अबे यार ऐसा तो बेइज्जती हो रही इनके सामने यार, देख कुछ जुगाड़ पानी करके चला के देख दोबारा। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है डॉक्स। तुमने गोली तो चुराई ही नहीं, खाली बंदूक से कौन मरता है? कौन सी गोली? आड़ों की गोली। बदतमीज, गन की गोली, गन की। हाँ तो सरपंच साहब ठीक तो कह रहे हैं, लैंड की गोली। मेरे गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। आज से ये देश मेरा है, और इस देश में ना तुम रहोगे और ना ये तुम्हारा झंडा। मारो इन्हें बहन के लोगों को। सरपंच साहब, इस गद्दार का क्या करना है? भोला, मैं एक बाप हूँ, ना ही अपने बेटे को मार सकता हूँ, ना मरते हुए देख सकता हूँ। लड़का तुम्हारे हवाले है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो मर्जी आए कीजिए। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो, अब कैसे ना करूँगा, बाबूजी मुझे माफ कर दो। सरपंच साहब, मारने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है। मैं तो ये कहता हूँ इब्राहिम को एक मौका और देके देखो, क्यों भाइयों? सही बात, सही बात। हाँ बाबूजी, आज बाप होने के नाते मैं इसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन सरपंच होने के नाते सजा मिलेगी।
आज से अगले 20 साल तक जंगल का पहरा इब्राहिम देगा। याद रहे इब्राहिम, एक भी पेड़ अगर जानवर मरा तो तू भी मरेगा। बोला, इस गंदगी को गांव से बाहर उठाकर फेंक दो। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को बहुत सारी कमेंट करना, और गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार वीडियो को। हाँ, कर दो शेयर, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो। और गाइस हमारे फेसबुक और इंस्टा हैंडल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर फॉलो करो, वहां पर आपको अपडेट मिलते रहते हैं हमारे।